कि पिछले लोकसभा में ऐसा ही एक काला कानून लाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा हुई थी और ऐसा ही एक काला दिन पिछले लोकसभा में भी लाने की कोशिश उस वक्त हुई थी। भूमि अधिग्रहण का कानून उस वक्त मोदी सरकार ने लाने का प्रयास किया और उस वक्त लोकसभा में खड़े होकर मोदी जी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ की। उसके लिए इतने ही ट्वीट्स उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने किए थे और उसके बाद जो दोनों सदनों की कमेटी बनाई गई उसका भी मैं मेंबर था, कई सारे सदन के साथ ही उसमें मेंबर थे और बाद में भूमि अधिग्रहण विधेयक का क्या हुआ आपको पता है। ऐसे ही बात इन कानूनों के बारे में भी होने वाली है। उस वक्त तो सदन की कमेटी बनाई थी, इस वक्त किसान ही इस कानून का विरोध कर रहा है और किसान ही मोदी सरकार को आने वाले समय में सबक सिखाएगा। लेकिन किसान का दर्द और किसान का दुख जिस जो सरकार है, इस सरकार के मुखिया ने ना कभी खेती की है, ना इस सरकार के कृषि मंत्री के नाम पर कोई खेत जमीन भी है, इसलिए इनको किसान के दर्द के बारे में, किसान का जो परेशानी है उसके बारे में क्या पता है। और ऐसे जो अभी शक्ति जी ने जो बात कही कि जिस प्रकार से प्रोसीजर को पूरी अनदेखी करने का प्रयास हुआ, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का मॉडल है। ऐसे ही सदन में, हर सदन में गुजरात के असेंबली में ऐसा होता था, कभी विपक्ष के नेता को ही सस्पेंड करने की बारी होती थी, मीडिया को अलाउ नहीं करने की बात होती है। ऐसे ही ये कोशिश अब दिल्ली में राज्यसभा तक आ पहुंची है। आज के लिए ये लोकशाही के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये काला दिन था।